बाइक चला चला के क्या हालत हो गई है मेरी। और ये हमारे दोस्त हैं, ये यहीं नेपाल के रहने वाले हैं, यहीं रहते हैं। ये बुद्ध का बहुत बड़ा यहाँ पे टेंपल है, उसी जगह पे आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत मार्केट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ये जो रास्ता है यही अंदर में चला जाता है बौद्ध के मंदिर की तरफ। शाम का वक्त है और अभी हम यहाँ काठमांडू में हैं। काठमांडू में जो बुद्ध का मंदिर है टेंपल, वहीं पर आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी क्राउड है, काफ़ी लोग हैं। और हम जो होटल है यहीं अंदर में लिए हुए, इस तरफ से अंदर में मेरी होटल की तरफ जाता है रास्ता। मेरा दोस्त है वो आने वाला है, उसी ने सारा ये होटल वगैरह सब बुक किया है मेरे लिए, तो वो अभी आएगा थोड़ी देर में, तो फिर उसके साथ घूमेंगे। यो मेरो सरोज दाई हो अलिकति ठीक छ हाम्रो स्वागत भयो आइपुग हाम्रो ठक्क फ्यामिली काठमाडौँ बगदामा हो उहाँले चाहिँ आज हामीले हमारे दोस्त है ये रूम बुक किए हुए हैं और अभी हम इनके साथ घूमने के लिए जा रहे हैं। तो अभी ये मार्केट है, इसी में हम लोग घूम रहे हैं। यहाँ पे देखिए कपड़े का मार्केट और यहाँ के बारे में कुछ हम लोग का बहुत है। काठमांडू बहुत है, बुद्धिस्ट का बड़ा एक टेम्पल है। हमारा स्वागत भाई फाइनली आ चुका है, मेरा एक नंबर दोस्त है। हाँ सर, किनकि यसो बौद्ध घुमाइ दिएको होइन, अब सँगै आएको साथी भाइ, किनकि उता एकै ठाउँ बसेको होइन, यसो यसो बौद्ध त्यति गयो। हाम्रो बुद्धिस्टको चाहिँ एकदम राम्रो ठुलो घुम्बै हो, बौद्ध है नाम, बौद्ध हो यो। ठिक छ नि, हाम्रो बुद्धिस्टको बत्ती बाल्ने चलन छ होइन, त्यही बत्ती बालियो हेर्नु। इस वक्त जहाँ पे हम घूम रहे हैं ये है बुद्धा जगह, इसको बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए ये बुद्धिस्ट, ये यहाँ का टेंपल है बहुत बड़ा। और ये हमारे दोस्त हैं सरोज दाई, ये भी बुद्धिस्ट हैं। बुद्धिस्ट लोग का सबसे बड़ा मंदिर यही है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर हर रोज आते हैं सुबह शाम हम लोग का। और कठपुरा हमारा इधर ओपन हो जाएगा, हम लोग इधर प्रे कर सकते हैं कठपुरा। और इसी के कैंपस में बहुत ज़्यादा मार्केट वगैरह भी देखने को मिलेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिक टाइप का चीज़ जो है, या फिर अलग अलग कपड़ा से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे जो है वो पशुपतिनाथ मंदिर जो है, जो काफ़ी फेमस है, नेपाल का सबसे फेमस मंदिर माना जाता है उसको, तो वो है। यो के हो अलिकति भन्नुहोस् न, एकदम राम्रो छ होइन, एकदम मान्छे थाहा भएन होइन। फॉरनर्स वगैरह भी काफ़ी यहाँ पे दिखते हैं, तो ये मेन जगह है समझिए काठमांडू का। यहाँ पे देखिए ये मेन रोड है और इसी मेन रोड से ये अंदर में आने पे, ये देखिए अंदर में आए और अंदर में आके आप राइट टर्न हो जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे होटल है मेरा, होटल का नाम है मुस्तान ठकाली, उसी का ये पूरा होटल है ये जो भी दिख रहा है। इस होटल में पार्किंग नहीं है क्योंकि अलाउ नहीं होता है, दिन में सब दुकान वगैरह रहता है तो इस वजह से अलाउ नहीं होता है। और जो होटल है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, हमने पार्किंग कहीं और किया है और वहाँ से 8 बजे लेके आके यहाँ पे पार्किंग में लगा देंगे। अब काठमांडू के रोड पे ऐसे टहल रहे हैं, दोनों तरफ मार्केट आप देख सकते हैं, इस तरफ में भी और इस तरफ में, और ऐसे टहलते हुए खाना खाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये भुट्टा मिल रहा है और बहुत दिनों के बाद आज भुट्टा खाने का मन हुआ है, तो अभी यहीं पे ये भुट्टा अभी लिए हैं, 30 रुपये नेपाली में मिला है। Thank you.
देखिए नेपाल का पेट्रोल पंप है, यहीं पर अभी हमने पेट्रोल डलवाया है और अभी हम काठमांडू शहर से बाहर निकल रहे हैं। ऑलरेडी ऑलमोस्ट हम बाहर निकल चुके हैं। यहाँ से अभी हमको करीब 350 किलोमीटर के आसपास सफ़र करना है। काठमांडू से ये रास्ता आता है और ये रास्ता सीधा चला जाता है जनकपुर की तरफ। इसी रास्ते से आगे जाके दूसरा हाईवे पकड़ेंगे और वो जनकपुर जाएंगे। तो जनकपुर वाला जो बॉर्डर है वो बॉर्डर इस बार क्रॉस करेंगे। कल भर का टाइम है मेरे बाइक का, कल के बाद एक्सपायर हो जाएगा जो पेपर हमने बनवाया है एंट्री के लिए नेपाल में। और यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त लोकेशन है, बेहतरीन। और यहाँ पे काफ़ी ठंडक भी महसूस लग रहा है। काठमांडू में वैसे ठंडा रहता है, रात में काफ़ी ठंडक लग रही थी। रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए ऐसे ही रुकते रहते हैं। इधर से देखिए ऐसे ही सुनसान सड़क पे चलते हुए जा रहे हैं और जहाँ दिल कर रहा है वहाँ रुक रहे हैं, कहीं नाश्ता पानी इस तरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब। ये देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पर व्यू है, बेहतरीन। जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं, काफी खराब रास्ता है। तो कितना ये ढलान रास्ता है, नीचे सीधा जंगल में चला जाता है। ये देखिए कितना भयानक जंगल है यहाँ पे, ये पूरा जंगल है, पहाड़ के ऊपर में जंगल बना हुआ है। और वहाँ दूर काठमांडू शहर आपको दिखता होगा, वो काफ़ी दूर तक है। अभी हम लोग ऐसे पूरा पहाड़ी चढ़ते हुए आए हैं, तो मेरे पास अभी ज़्यादा वक्त नहीं है, वरना बहुत सारा एक से एक जगह सब है घूमने का। यहाँ पर पोखरा में भी बहुत सारा जगह हम नहीं गए घूमने के लिए, और यहाँ पे भी बहुत सारी जगह जो है नहीं गए घूमने के लिए। बस ऐसे ही शॉर्टकट में समझिए घूम रहे हैं। ये देखिए ऊपर में वहाँ पर जाएँगे, वहाँ पर और भी अमेजिंग व्यू आपको पूरा देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टाइम फिर कभी अगर आना होगा तो फिर अच्छे से एक एक जगह को घूमेंगे। Hey, hey, hey.